अस्सलाम वालेकुम आतिफ बंगश अपनी एक और नई वीडियो के साथ। और आज जिस टॉपिक में दोबारा बात करने लगा हूँ वो है डोमेन नेम्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको कंफ्यूज रहते हैं। मैं देखता हूँ मतलब फोरम्स पे भी लोग डोमेन नेम के हवाले से मतलब चीज़ें पूछ रहे होते हैं, उनको क्लियर नहीं है। इस सिलसिले में मैंने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और उसमें मैंने कोशिश की थी कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर कर सकूं, लेकिन मैं दोबारा एक वीडियो इस पर रिकॉर्ड करना चाहता हूं। देखिए, डोमेन नेम जो कोई भी जो वेबसाइट होती है उसको एक डोमेन नेम चाहिए होता है, जिससे वही इट्स अ फैंसी एड्रेस .com .net .uk और इस किस्म की जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर नेम होता है जिससे आप कहीं से भी अपनी वेबसाइट पर आते हैं। इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है और एक असाइनिंग अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल करती है पूरी दुनिया के जो TLDs हैं। TLDs मीन द टॉप लेवल डोमेन्स। तो इनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये इसको इसके फिर सबसे पीछे जो एक सर्विस है ICANN जो कि इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स है, फिर उसके बाद इंटरनेट असाइंड नेमिंग अथॉरिटी है, नंबरिंग अथॉरिटी है, वो है। और ये आप देखें डोमेन नेम URLs आप कभी भी परमानेंटली परचेज नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप कोई भी .com कोई भी .net या जो भी आपके ये मुख्तलिफ नेमिंग ऑप्शन हैं, नेमिंग ऑप्शंस आपको इसका मैं पिछले एपिसोड में क्लियर कर चुका हूँ कि इनके क्या क्या मतलब होते हैं .com से .net से या .gov से। तो इसमें मेन समझने की चीज़ ये है कि आप डोमेन नेम को 10 साल से ज़्यादा के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप हमेशा लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहे होते हैं कि कौन मुझे सस्ता देगा, कौन मुझे महंगा दे रहा है या कौन। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी जो अथॉरिटी है पीछे वो एक ही है, ठीक है। और आप डोमेन नेम जो इसकी प्राइसिंग है वो पीछे से सेट होती है, या जो अब नए आ रहे हैं वो प्राइवेट लेवल पे भी डोमेन्स लोग बनाकर जैसे .welcome .vision .school .shop .. इस तरह बहुत सारी प्राइवेट लोग कंपनियों ने भी अपने अपने नेमिंग सर्विसेज से एक बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसीजर टू स्टार्ट दिस बिजनेस अगर आप अपना कोई TLD लॉन्च करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें बता दूं कि आप 3 करेक्टर से कम का डोमेन रजिस्टर नहीं करवा सकते, वो रिजर्व्ड होते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल प्रोटोकॉल्स यूज़ करने होते हैं अगर आप वो डोमेन 3 करेक्टर्स का या 3 से कम का आप डोमेन कोई रजिस्टर करवाना चाहते हैं। और 4 onward आप आराम से रजिस्टर करवा सकते हैं अगर वो अवेलेबल है। जैसे आपको पता है कि .com .net अब सिचुएशन पॉइंट पर है, अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। 3 जो बेसिक डोमेन थे, टॉप लेवल डोमेन्स जो इंटरनेशनल कंसीडर होते हैं .com .net या .org, तो उसके बाद रीजनल TLDs आए, जिस तरह पाकिस्तान में .com .pk है, इंडिया में .in है, UK में .co.uk है। इस तरह हर मुल्क का एक रीजनल एक कंट्री डोमेन होता है जिस जो उनकी अपनी जो एक कंपनी जो मेन वो लाइसेंसिंग रखती है रजिस्ट्री के तौर पर। लेकिन ये भी याद रखें कि ये जो रीजनल हैं .com .pk ये भी पीछे ICANN के थ्रू ही होते हैं और वही कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसका जो अपडेटेड रिकॉर्ड रखना बड़ा लाजमी है, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो रजिस्ट्रार कंपनीज हैं जो फ्रंट पे होती हैं, जैसे PKNIC है पाकिस्तान में, या register.com है, या GoDaddy है, या कोई और Namecheap है, ये कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रार कंपनीज हैं जो कि आपको आपके नेम को रजिस्ट्री करवा के देते हैं आपके नाम और एड्रेस के ऊपर, और ये अपडेटेड होना चाहिए। हाँ, आप इनको प्राइवेट रख सकते हैं फॉर द पब्लिक, बट जो रजिस्ट्रार है और जो ICANN पीछे कंट्रोलर है उसके पास आपका एग्जैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जो डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं वो हर साल
या मुख्तलिफ टाइमिंग में आपसे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट करवाने के लिए ईमेल्स वगैरह करते हैं कि ये रजिस्ट्री सही है या नहीं। तो इसलिए कि इसमें बहुत सारे फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं। डोमेन नेम अगर कोई भी रजिस्टर करवा के उस पर किसी किस्म का भी कॉन्टेंट, आजकल आप देखते हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो उस हिसाब वो चीज़ें रख उनको कंट्रोल करने के लिए हर डोमेन का पीछे, क्योंकि इस पर फिर आपने ईमेल्स भी चलानी होती हैं, तो ईमेल का रिकॉर्ड भी रखना होता है कि अगर किसी कोई क्राइम किसी पर्टिकुलर डोमेन के थ्रू हुआ और उसकी ईमेल यूज़ करते हुए हुआ तो वो ट्रेसेबल हो। तो इसलिए रजिस्ट्री कॉन्टैक्ट डिटेल्स का होना बड़ा ज़रूरी होता है। और बहुत सारी कंपनियां जो पाकिस्तान में, अब देखें कि मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स एज अ रीसेलर इन्वॉल्व हुए हैं, वो किसी नेम चीप वगैरह से या गो डैडी से कंपनीज को रजिस्टर करवा के दे देते हैं। अब उसमें मसला क्या आ रहा है, उसमें मसला ये होता है कि कंपनीज को जो मेन बिजनेस ओनर है उस .com.pk का या pk का या .com का इवन, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोई प्रोसीजर्स नहीं है, बाज़ कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, जैसे आप UK में .co.uk नहीं परचेज़ कर सकते जब तक कि आप प्रूफ ना, एक लोकल एग्जिस्टेंस प्रूफ ना कर दें, सऊदी अरब में नहीं कर सकते, UAE में नहीं कर सकते, आपको लोकल एड्रेस लाजमी देना होता है, तो इस तरह। लेकिन फिर भी हम इंटरनेशनल डोमेन्स कहीं ना कहीं से अरेंज करके एड्रेसेस, फेक एड्रेसेस डाल डूल के परचेज कर लेते हैं। रजिस्ट्रार कंपनीज को वो इतनी बॉदर नहीं करती क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए होते हैं। तो लेकिन ये प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है जब कंपनी जिसने वो डोमेन रजिस्टर करवाया उसके डोमेन पर कोई खुदा नखास्ता क्राइम हो गया, या उसके थ्रू कोई ईमेल या स्पैम या कोई इस किस्म की चीज़ हो गई है और किसी इंटरनेशनल कंपनी ने आपको अप्रोच कर लिया है, तो आपके पास डोमेन आप ओन भी कर रहे होते हैं और रजिस्ट्री में नाम किसी और का गया हुआ है, वो इंडिविजुअल अब ट्रेसेबल नहीं होता, तो कंपनी किसी भी मुश्किल में आ सकती हैं। और इंडिविजुअल जिसने किसी और के बिहाफ पे डोमेन्स रजिस्टर करवाए हुए होते हैं वो भी मुश्किल में आ सकता है, क्योंकि वो कंपनी को वो इंटरनेशनल जो ICANN है या रजिस्ट्रार कंपनी है वो उस इंडिविजुअल को जानती है और वो उसी को अप्रोच करेगी, और अगर वो नहीं करेगी तो उसने वो दोबारा किसी किस्म की प्रॉब्लम में आ सकता है। तो मैं कंपनीज को एक यहाँ पर बार बार ये कहता हूँ जो भी मेरे साथ ये डिस्कशंस करते हैं कि एटलीस्ट डोमेन लेवल जो है ना वो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार एंड कंपनी खुद परचेज करें, यानी अगर आपकी कंपनी है आप ओनर हैं तो रजिस्टर जो अपना डोमेन नेम है वो उतना ही अहम है जितना आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें। आप बेशुमार ऑनलाइन सर्विसेज हैं, रजिस्ट्रार हैं, नेम चीप है, गो डैडी है और बेशुमार हैं, पीके ने अगर पीके का लेना है तो उसकी तो एक ही अथॉरिटी है, दैट इज़ पीके ने, तो आप जाएं और वहां से डायरेक्ट आप उनको पेमेंट करके बैंक ट्रांसफ़र से कर दें। अगर लोग क्रेडिट कार्ड से घबराते हैं तो उसमें बैंक ट्रांसफ़र से कर दें, उनके लाहौर में उनका ऑफिस है, खुद जा के करवा दें। तो इसमें बिल्कुल भी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें और कोई इतने पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। अब लोग बहुत सारी ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें कहाँ से सस्ता मिलेगा, वो भाई पीके निक जो है वो कैसे सस्ता मिल सकता है। जो पीके निक है वो उसकी एक पॉलिसी है, दैट इज़ अगर वो 2500 रुपये का डोमेन आपको दे रहा है, दैट मीन के वो उसकी मेन एक प्राइस सेट है जो उसने लेनी ही लेनी, ठीक है। अनलेस कि आपकी बहुत ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए पीके निक की मैनेजमेंट के साथ और आप बहुत ज़्यादा बल्क में डोमेन्स परचेज कर रहे हों तो हो सकता है वो $1-2 का आपको एडवांटेज दे दें, लेकिन अमूमन वो अगर उनका रेट 2500 रुपये है, 2500 है, तो वो 2500 ही लेंगे। अब अगर मैं रीसेलर हूँ, ज़ाहिर है मैं आपके बिहाफ पे आपका डोमेन परचेज करके दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं उसमें 200-300 रुपये या 3500 रुपीज़ उसमें ऐड करके अपनी सर्विस ले लूँ, लेकिन होगा क्या उसमें वही खदशात हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी इंडिविजुअल या कंपनी से रजिस्टर भी करवाते हैं डोमेन, तो ये ध्यान रखें कि जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो आपकी अपनी कंपनी की जानी चाहिए, क्योंकि इन केस अगर वो डोमेन एक्सपायर हो गया कल को, पीके निक जो है वो 2 साल के लिए आप देता है, इससे मिनिमम रजिस्ट्री नहीं करता, बाकी .com आपको 1 साल के लिए भी मिल जाते हैं, तो 2 साल के बाद आप
आपको नहीं याद रहता कि आपका डोमेन किस इंडिविजुअल ने रजिस्टर करवाया था या वो इन कॉन्टैक्ट नहीं रहता, तो आप एक और बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। और अगर उसने कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना सारे डिटेल्स दी हुई हैं, तो कंपनी को वो जो है जब उसकी रिन्यूअल आएगी 2 साल के बाद, तो आप उस डोमेन को रिन्यू नहीं करवा सकेंगे। आप एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। आप फिर पीकेनिक को कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपसे एफिडेविट्स मांगेंगे, आपसे मुख्तलिफ एविडेंसेस मांगेंगे, उसके बाद फिर जाके आपको वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस चीज़ों से इसलिए मैं ये कहता हूँ। और अगर आपने .com लिया हुआ है जो कि इंटरनेशनल रजिस्ट्रार से लिया हुआ है, तो आपके दरमियान एक और कम्युनिकेशन का फासला है। अगर वो रजिस्ट्रार अमेरिका में बैठा है और वो आपसे फिर, क्योंकि जो डोमेन नेम की रिकवरी है या क्लेम करने में नोटरी भी इन्वॉल्व हो जाता है, अगर आप कोई डोमेन आपका एक्सपायर कर गया और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है एंड डिलीट दैट, तो आपको फिर नोटरी पब्लिक से भी एफिडेविट स्टैम्प भिजवाना पड़ता है, चाहे वो रजिस्ट्रार अमेरिका में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है। आपको वो चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी अपना डोमेन वापस लेने के लिए। और अगर वो दोबारा मार्केट में चला गया है, तो वो एज अ प्रीमियर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ये बात याद रखें कि जैसे लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते कंपनीज, और ये उतना ही है जितना आप अहम है जितना आपका ट्रेडमार्क है। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं छोड़ना चाहेंगे, अगर आपका कंपनी नेम है तो आप उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहते, आपने रजिस्टर करवाया है। इसी तरीके से जो .com है या .com.pk है या pk है, वो भी आपका ट्रेडमार्क है। आपको लोग उससे जानते हैं, आपकी ईमेल्स चल रही हैं, आपकी सारा बिजनेस ऑनलाइन उस पर चल रहा है, और कल को आप उससे हाथ धो बैठते हैं, तो इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर यू। तो इसको उतनी ही अहमियत दें जितने अपनी कंपनी के नाम को देते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन को देते हैं। और अगर आप फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो रजिस्ट्रार कंपनीज होती हैं, वो आपको ईमेल्स कर रही होती हैं। पाकिस्तान में हमें एक चीज़ की आदत है कि हम फिज़िकल कॉन्टैक्ट, यानी कि इस तरह चाहते हैं कि कोई बंदा उनके ऑफिस में आए और फिर वो बताए कि जी हाँ, ये डोमेन आपने परचेज करना है, रिन्यू करना है, बिल लो। ये देखें, ये जो चीज़ है ये खालिस्तन ऑनलाइन है। आप इसमें कभी किसी का इंतज़ार ना करें, चाहे आपका रजिस्ट्रार या इंडिविजुअल पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। इस चीज़ को ना देखें कि वो फिज़िकल चल के आपके पास आए और आपको रजिस्ट्रेशन दे, या यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें। आपने उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करनी है, और जितनी जल्दी हो पे कर दें, क्योंकि इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, 27 डेज का वक्त होता है। जब रजिस्ट्रार कंपनीज, जो अगर आप मेन डायरेक्ट रजिस्ट्रार कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हैं और आपके साथ वो कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, जो कि रजिस्ट्रार नहीं है, सिर्फ एज अ थर्ड पार्टी रीसेलर है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी रीसेलर भी आपको जो डोमेन नेम की एक्सपायरी है वो 15 दिन लेट बताए, क्योंकि वो खुद भी भूल चुका होगा, क्योंकि उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई सेट इन फॉर्मल बिजनेस वो नहीं कर रहा, वो एक डेवलपर है, घर में बैठ के कर रहा है, तो उसको खुद भी नहीं याद रहेगा। हाँ, कंपनी उसको अगर उसको ही कॉन्टैक्ट करती रहेगी कि भाई ये रिन्यू करवा लो। अब वो कहीं ऑस्ट्रेलिया चला गया पढ़ने या इंग्लैंड चला गया, उसको नहीं याद उसने कभी ये किया था, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। या आप अगर खुद उसको, अगर रजिस्ट्रार कंपनी डायरेक्टली आपके साथ कॉन्टैक्ट करिए कि इसको रिन्यू करें, दिस इज़ द ड्यू डेट, और आप उसको सीरियस नहीं लेते, जैसे अमूमन पाकिस्तान में जो बिजनेस मैन वेबसाइट्स को और .coms को सीरियस नहीं लेते, वो कहते हैं कि नहीं तो पैसे दे दें, तो वो इस वजह से उनका ऐसा हो गया, क्योंकि हम में एक आदत हो गई है कि हम फॉर्मल कंपनीज के साथ काम करना नहीं पसंद करते IT के हवाले से, हम इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के साथ काम करके कुछ पैसे बचाने के लिए और कुछ कंट्रोल करने के लिए, इस तरह के इनफॉर्मल रिलेशंस के थ्रू हम IT को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम बाद में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अगर .com आपका जैसे तकरीबन 1 महीना पहले रजिस्ट्रार कंपनी आपको इन्फॉर्म कर देती है कि योर डोमेन इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड इन 30 डेज, फिर वो 15 डेज के बाद भी नोटिस करते हैं, फिर वो 10 डेज के बाद भी करते हैं, फिर वो 5 डेज के बाद भी करते हैं, अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं है तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब एक्सपायर होने के बाद भी मैं आपको बता दूँ, 27 डेज तक डोमेन स्टिल आपके करंट रजिस्ट्रार के पास रहता है।
अब कई रजिस्ट्रार उससे फ़ायदा उठाते हैं और लेट फीस लेते हैं, कई नहीं लेते हैं, आप उसको रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन 27th, 28th डे आपका डोमेन अगर नहीं रिन्यू हुआ और ना ही रीएक्टिवेट हुआ दोबारा, तो वो रिडम्पशन पीरियड में चला जाता है। रिडम्पशन पीरियड 90 डेज का होता है, यानी कि ये डोमेन जैसे xyz.com है, अगर वो रिन्यू नहीं हो सका इस पूरे पीरियड में तो वो रिडम्पशन में चला जाएगा और अगले 90 डेज तक वो ओपन मार्केट में किसी और रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल नहीं होगा परचेज रजिस्टर करने के लिए। हाँ, उसको एज अ, अब वहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि इसकी क्या वैल्यू हो चुकी है। आपको पता है कि डोमेन्स अथॉरिटी और SEO वगैरह के लिहाज से भी अब डोमेन्स को बहुत काउंट किया जाता है कि वो कितना पुराना है, कितनी उसकी डोमेन अथॉरिटी है, क्या चल रहा है, कितना उस पर पॉपुलर बिजनेस हो चुका है। उस हवाले से आप जैसे ही किसी अपने डोमेन को छोड़ देते हैं गलती से या जानबूझ के, तो उसकी जो वो दोबारा मार्केट में आएगा तो उसको फौरन कोई रीसेलर्स परचेज कर लेंगे और उसको फिर किसी भी नेमिंग सर्विस पे रीसेलिंग के लिए हायर प्राइस पर रख देंगे और वो प्रीमियम हो जाएगा और फिर आप उसको दोबारा $7-8 में ख़रीद नहीं पाएंगे, बल्कि वो आपसे डिमांड करेंगे 100-200। इवन आप अगर देखें मार्केट प्लेसेस पे रजिस्ट्रार होते हैं तो कई डोमेन आपको हज़ारों डॉलर्स के भी नज़र आएंगे, वो इसीलिए कि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे आ जाता है, उनकी बिजनेस अच्छा हुआ बहुत है और सर्च इंजन पॉपुलैरिटी के लिहाज से ये वैल्यू हो रही होती है। तो इसको डोमेन को कभी भी ना छोड़ें और कोशिश करें ख़ुद से रजिस्ट्रार कंपनीज को भी छोड़ दें कि वो आपको ईमेल करेंगे, इंडिविजुअल जिनके थ्रू आपने रजिस्टर करवाया है उनको भी छोड़ दें, आप खुद डायरी में या अपने मोबाइल में अलर्ट लगा दें कि ये, या सबसे सेफ तरीका ये है कि आप इसको अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और आप ये इसी डोमेन को लेके चलेंगे तो इसको 3-4 साल के लिए रजिस्टर करवाएं ताकि आप सेफ, ठीक है, और फिर उसका ख्याल भी रखें। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और प्राइसेस के हवाले से मैं बताऊँ आपको कि जब कोई नया डोमेन आता है ना तो वो उसको पॉपुलर करने के लिए जो नेमिंग अथॉरिटीज़ हैं या रजिस्ट्रार्स हैं वो पहले साल के लिए बहुत कम प्राइसेस रख देते हैं जिससे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसकी रीअकरिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे आप .co को ले लें या .school को ले लें या .club को ले लें, तो वो अगर आप कई वेबसाइट्स पे आपको वो $1 का भी मिल जाएगा, $2 का भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी रीअकरिंग उन्होंने साथ लिखी होगी कि वो $42 का है, यानी अगले साल से आप इसको $22 पर ईयर से देंगे या $40 पर ईयर से देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अट्रैक्शन है। तो डोमेन नेम की प्राइसिंग से आप में बिल्कुल ना पड़ें, ठीक है, आप जो उसकी रीअकरिंग प्राइस है दैट इज़ द एक्चुअल प्राइस और वही आपको देनी पड़ेगी। अब आगे जो रीसेलर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो उसमें अपना एडिशंस करते रहते हैं, कभी कम कर देते हैं कभी ज़्यादा कर देते हैं, तो इसलिए इसी तरह जैसे PK नेक है वो ज़्यादा वो 2500 का ही रहेगा या 2600 रहेगा, डॉलर रेट पे वो काम कर रहे होते हैं। बाकी अगर आप किसी इंडिविजुअल से परचेज कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है वो, और उसको वो हक भी है यानी बिजनेस कर रहा है और आप खुद उसको ये मौका दे रहे हैं कि वो आपसे प्रॉफिट कमाए। हालांकि आपको पता भी है कि यू कैन बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम द PK नेक, बट यू आर शाय और यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दिस और यू थिंक दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग और नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डेल डायरेक्ट। तो इसलिए ये आपकी अपनी परसेप्शन है, हमारे यहाँ ये बड़ा है कि IT को और IT सर्विसेज को, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं क्योंकि हमारे लड़के जो हैं उन्होंने खुद अपनी जो वैल्यू है प्रोजेक्ट हंट के चक्कर में बहुत कम कर दी है, तो इसलिए जो लोग हैं वो उनको इतनी बिजनेसमैन हैं जो और जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो इतनी अहमियत नहीं देते, वो कहते हैं कि ये इनके साथ नेगोशिएट करें या 5-5 हज़ार की वेबसाइट भी बना देते हैं, तो हमने खुद अपनी वैल्यू डाउन की हुई है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि .com या डोमेन नेम के हवाले से कोशिश करें
जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये नेमचीप पे जाएं, गो डैडी पे जाएं, पीके निक पे जाएं और डायरेक्ट परचेज करें। किसी थर्ड पार्टी या इंडिविजुअल को खास तौर पे इन्वॉल्व ना करें, ऐसा इंडिविजुअल जिससे आपका बाद में कॉन्टैक्ट ख़त्म होने के चांसेस हैं या वो कहीं इधर उधर रीलोकेट हो जाएगा, उससे आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप डायरेक्टली खुद डोमेन नेम के हवाले से आप खुद डील करें और उसकी सारी रिकॉर्ड्स और उसका जो रिन्यूअल्स हैं, फाइल्स हैं, वो अपने कंट्रोल में रखें। होस्टिंग वगैरह जो होती हैं वो एक अलग बिजनेस है, उसके ऊपर हम एक और सेशन कर लेंगे। वो बल्कि उस पर उसके मुताबिक भी मैंने काफ़ी एक एपिसोड की भी है, वो देख लीजिए। तो और भी कर दूंगा दोबारा भी, और अगर कोई और आपके जहन में क्वेश्चन है तो नीचे इस कमेंट बॉक्स में दे दें या मुझे फेसबुक पे बता दें या मुझे ईमेल भी है नीचे लिखा हुआ और कहीं से भी नंबर भी इवन लिखा हुआ मेरा टेलीफोन नंबर सेल नंबर, तो आप वैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे दूँ आपको अच्छे तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज एपिसोड, आई होप इट विल हेल्प यू, और थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।